5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया था। इसके बाद से ही लद्दाख अपने आप को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। खुद बीजेपी के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने संसद में इस मांग को दोबारा उठाया है। उनका तर्क है कि लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा करने से लद्दाख की जमीन, रोजगार और स्थानीय आबादी की संस्कृति को सुरक्षा मिलेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही ये मांग और तेजी से बढ़ी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर 6वीं अनुसूची में ऐसा क्या है जिसकी मांग लद्दाख से खुद बीजेपी के सांसद ही कर रहे हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे जनजातीय राज्यों को एक अलग और स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्था बनाने का अधिकार देती है। इसमें स्वायत्त जिला परिषद यानी ADC, जिसमें कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्ता राज्य के भीतर ही मिली होती है। स्वायत्त जिला परिषद यानी ADC के 30 सदस्य तक हो सकते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल तक का होता है। ये सदस्य कानून, नियम और जमीन, जंगल, पानी, कृषि, ग्रामीण परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शादी और तलाक से जुड़े विषयों पर नियम बना सकते हैं। हालांकि 30 सदस्यों वाली ADC में असम की बोडोलैंड काउंसिल को विशेष छूट मिली हुई है, जिसकी वजह से उसके सदस्य 39 विषयों पर कानून बना सकते हैं। यह विशेष अधिकार संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत मिलते हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 244A को 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद संसद को असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों और स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या फिर दोनों में से एक स्वायत्त राज्य को स्थापित करने का अधिकार भी देता है। इधर बौद्धों के प्रभुत्व वाले इलाके का शुरुआत से ही आरोप है कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार में अधिकतर नेता जम्मू कश्मीर से थे, जिनकी वजह से लद्दाख की अनदेखी की गई। इसको लेकर बीजेपी सांसद जामयांग ने संसद में कहा कि कश्मीर के तहत हमारा विकास, हमारी राजनीतिक आकांक्षाएं, हमारी पहचान, हमारी भाषा अनुच्छेद 370 की वजह से कहीं खो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी राजनीतिक आकांक्षाएं, विकास की चाह और लद्दाख के लोगों के योगदान को मान्यता दी है। लद्दाख के लोगों का मानना है कि केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर को अपना विधानमंडल मिल जाएगा, लेकिन लद्दाख को नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर विधानसभा में लद्दाख के सिर्फ 4 विधायक ही है और पूरा प्रशासन फिलहाल नौकरशाही के हवाले है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की मूल निवास नीति में बदलाव होने से लद्दाख के लोगों में अपनी जमीन, रोजगार, डेमोग्राफी और सांस्कृतिक पहचान को खोने का डर भी खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि लद्दाख में सिर्फ 2 परिषद हैं, जिसमें से एक लेह और दूसरी करगिल में है, लेकिन ये संविधान की 6वीं अनुसूची में नहीं है। इन परिषदों की ताकत सिर्फ स्थानीय टैक्स वसूली जैसे पार्किंग से मिलने वाला पैसा और केंद्र द्वारा निहित भूमि आवंटन और उपयोग तक ही सीमित है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करेगी। दरअसल सितंबर 2019 में राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी। आयोग ने कहा था कि लद्दाख में 97% से ज्यादा आबादी जनजातियों की है और इनकी संस्कृति को सुरक्षित करने की जरूरत है। सबसे अहम बात यह है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा अभी तक किसी भी इलाके को 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि मणिपुर के कुछ इलाकों में जनजातियां रहती हैं, लेकिन उनकी स्वायत्त परिषदों को 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। दूसरी तरफ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से जनजातीय राज्य हैं, लेकिन इनको भी 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने का रास्ता इतना आसान नजर नहीं आता है। सबसे अहम बात यह है कि 6वीं अनुसूची को लेकर हमारे संविधान में बेहद ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ही है। देश के अन्य जनजातीय इलाकों के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार इस दिशा में एक ठोस कदम उठाने के लिए पहले ही कई कमेटियां बना चुकी है, जो लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर अध्ययन कर रही हैं।